नमस्कार, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं विवियन फर्नांडिस। टेक्नोलॉजी से अगर किसी फसल की तस्वीर बदल सकती है तो वो है कॉटन। 2002 में सरकार ने कीटरोधी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की 3 हाइब्रिड्स को मंजूरी दी थी। इनमें मिट्टी के बैक्टीरिया से निकाले गए जीन्स हैं जो कीड़ों से लड़ने में सक्षम है। ये टेक्नोलॉजी बोलवर्म को कंट्रोल करने में इतना असरदार है कि देश के 90% कॉटन किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 जून को हम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों की टीम से मिले, जिसका नेतृत्व जीव विज्ञानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चांसलर दीपक पेंटल कर रहे हैं। इस टीम ने अभी तक एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत ये हमें कपास के पौधे मुहैया करवाएंगे जो कि बीटी जीवाणु जीन के साथ कीट प्रतिरोधी क्षमता से लैस होंगे। ये जीन अमीनो एसिड्स को छोड़कर बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज से 13 साल पहले भारतीय नियामकों ने 3 संकर प्रजातियों को अनुमोदित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जीन बुलवॉर्म से लड़ने में दोगुना सक्षम है, जो कि कपास का एक खतरनाक कीड़ा है। अब क्योंकि ये शोध कार्य सरकारी पैसों से हो रहा है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे गैर व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें इससे अपनी सबसे अच्छी किस्मों के साथ वापस संकर करना होगा, और फिर यदि यह वैरायटी कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाती है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसका व्यवसायीकरण किया जाता है तो हमें कुछ हिस्सा रॉयल्टी के रूप में उन्हें देना होगा। नागपुर के केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र या CICR को ये कपास के पौधे दिए जाएंगे। इसके पास केंद्रीय भारत के सूखे व बिना सिंचाई के खेतों के लिए उपयुक्त सीधी व संकर प्रजातियां हैं। सीधी किस्में वो प्रजातियां हैं जिन्हें किसान अपने पास बचाकर रख सकता है और अगले मौसम में फिर से बो सकता है, जबकि संकर प्रजातियों के बीज दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहते, इसलिए इनके बीजों को प्रत्येक वर्ष खरीदना पड़ता है। निजी कंपनियां केवल BT संकर प्रजातियां ही उपलब्ध कराती हैं ताकि उनका निवेश सुरक्षित रहे और वो मुनाफा कमा सकें। दुर्भाग्यवश CICR के बीज प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनमें प्रतिरोधी BT जीन मौजूद नहीं है। अब उन्हें फिर से किसानों का विश्वास जीतने की उम्मीद है। इन्हें अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों को वास्तविक परिस्थितियों में खेतों में उगाना पड़ेगा और नियामक मंजूरी के लिए 3-4 साल तक सुरक्षा के लिए भी उनका परीक्षण करना पड़ेगा। Our main aim is to bring the gene into some of our best elite varieties. इससे हमारे लिए काफी अच्छी संभावनाएं पैदा होती हैं क्योंकि निजी कंपनियां अपने जीन को अधिक किस्मों में डालने की इच्छुक नहीं है, और वही हमारा उद्देश्य इन जीन को अपनी कुछ सबसे उन्नत किस्मों में डालने का है। यह जानना आवश्यक है कि BT कपास के आने से पहले भारत के 60-70% कपास सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकसित की गई संकर प्रजाति द्वारा उगाया जाता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तर भारत के कपास क्षेत्र को देखता है, अपने काम में लगा हुआ है। ये निजी BT जीन से संकर किस्में तैयार कर रहे हैं। अप्रैल माह में पेंटल की टीम के साथ फसल से ही बीज तैयार करने वाली बॉल फॉर्म प्रतिरोधी किस्मों को तैयार करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉक्टर दीपक पेंटल जी, वी विल बी यूजिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी सो दैट वी केटर टू द रिच बिगर फार्मर्स, आई विल से लार्जर फार्मर्स हैविंग लार्जर लैंड होल्डिंग एंड स्मॉल हैंड होल्डिंग। BT कपास की संकर किस्मों की भारत में बहुत मांग है। CICR के अनुसार सन 2002 की 3 प्रजातियों के मुकाबले आज 1667 किस्मों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें अधिक विनाशक क्षमता है। बॉलफॉर्म से मुकाबले के लिए ये एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे कि पहले दहशत फैला करती थी। आज BT संकर भारत के 90% से भी अधिक कपास बुआई क्षेत्र में बोई जाती है। सिर्फ 5 कंपनियां ही BT तकनीक का लाइसेंस दे सकती हैं। हालांकि सिर्फ एक कंपनी को ही किसानों का बहुत अधिक विश्वास हासिल है। बहुत से किसानों का कहना है कि इन कंपनियों को चुनना बहुत ही भ्रमित करने वाला है, जबकि बीज बेचने वाले कहते हैं कि किसान ही राजा है, वो बहुत समझदार है और गांव की दुकानों में उतनी किस्में मौजूद हैं। हर साल ये कंपनियां अपनी वैरायटीज वापस ले लेती है, नई वैरायटी मार्केट में डालती है। क्या क्या नाम से है? ब्रह्मा, क्या क्या नाम से अलग अलग है, भगवान का नाम डालकर। क्या कहां पे जेम्स बॉन्ड के नाम का भी हाइब्रिड है। हाँ, हर साल चेंजेस, एक नया पैकेट लाके उसका ट्रायल देख लेने का, अगले साल उसको
लेना नहीं लेना बाद में सोचने का, अच्छा क्रॉप रहा तो अगले साल उसको लगाने का ज्यादा। विजय महाजन निवल विदर्भ के यवतमाल में एक बड़े किसान है। वो बड़े गर्व के साथ ये बताते हैं कि किस तरह उन्होंने पिछले साल मंजूरी मिलने से पहले ही गुजरात से बीटी कपास के बीज मंगाकर वितरित किए थे, क्योंकि सरकारी मंजूरी में देरी से किसान बर्बाद हो रहे हैं। वो सीआईसीआर के इस दावे से सहमत नहीं है कि भारत संकर प्रजातियों पर अत्यधिक निर्भर हो रहा है। उनके अनुसार इस पर काफी शोध हो रहा है। जो हमारे पिताजी थे वो भी वैरायटी से हाइब्रिड तक शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी आके हमको समझा दे कि ये करो वो करो, लेकिन ये तो हम सुनते हैं लेकिन हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ सॉइल कौन सी भी हो, हल्का हो भारी हो, हाइब्रिड सीड हमको ज़्यादा भाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हमने महसूस किया है। महंगे होने के बावजूद बीटी बीजों का व्यापक उपयोग ये बताता है कि किसानों ने खुद ही इसका प्रचार किया है। ये किस्म अधिक उत्पादन के लिए नहीं बल्कि कीट प्रतिरोधी है, पर इसके व्यापक फायदे हुए हैं। हाँ नहीं, फायदा तो हो रहा है, बीटी से फायदा हो रहा है, उत्पन्न ज्यादा हो रहा है, फसल ज्यादा हो रही है उसके अंदर, जैसे कि 8 क्विंटल होने का, 4-6 क्विंटल होने का, 10 क्विंटल तक होता है। अच्छी मशक्कत करे और अच्छा खाद वगैरह अच्छा दिए तो 15 क्विंटल तक जाता है। क्रॉप अच्छा होना लगा है, क्रॉप अच्छा होकर खर्चा भी उसके पीछे बढ़ गया। पहले जो खेती करते थे वो एक अपने पुरानिक जो लोग थे, जैसा अपने बाप दादा, वो पेड़ देते थे, पेड़ने के बाद में करके उसको कुछ किया, यानी स्प्रे की ये नहीं थी उसमें, तो थोड़ा बहुत पकता था, यानी ये प्रमाण में नहीं पकता था। आज बीटी का आने के कारण से उसमें करके अभ्यास, उसके ऊपर स्टडी अपने करना पड़ता है, किसको क्या देना चाहिए, किस वक्त में क्या। हर एक किसान स्टडी नहीं करता, लेकिन स्टडी करके अगर खेती किया तो उसमें लाभ नहीं आता। कीटों से होने वाले नुकसान को रोककर भारत 2001-2002 के 1.6 करोड़ गांठों से दोगुना बढ़कर आज लगभग 4 करोड़ गांठ हो गया है। फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना व अच्छी सिंचाई सुविधाओं के चलते इसी दौरान कपास का बुआई क्षेत्र 85 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1.3 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। इस दौरान भारत कपास का आयातक से निर्यातक बन गया है। कॉटन किसान की एक दिक्कत है कपास में लगने वाली एक तरह के गुण, बॉलवर्म पेस्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ऐसे वैरायटी को लगाने की सलाह दे रहा है जो फसल थोड़ा पहले ही तैयार हो जाती है। खास बात है कि उस वक्त तक इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इंस्टीट्यूट गहन खेती की भी सलाह देती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में मौजूदा से 10 गुना ज़्यादा बुआई होती है। महात्मा गांधी ने वर्धा में सेवाग्राम बनाया था, जो कि डांडी यात्रा के बाद उनका घर बन गया था। यहीं पर उनके उद्योगपति मित्र जमनालाल बजाज ने शिक्षा मंडल नामक धर्मात्र न्यास की स्थापना की थी। इसी न्यास सहायता से सीआईसीआर किसानों को अपनी अधिक सघन खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हम जिन तंत्रों की बात कर रहे हैं वो रिसोर्स पुअर फार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये दूसरी बात भी देखनी चाहिए महाराष्ट्र में कि हमारे यहाँ पे बारिश सितंबर के बाद में ख़त्म होती है। जब पौधा बढ़ता होता है तब उसकी पानी की ज़रूरत कम है, पर जब पौधे में फूल और बोल लगने शुरू होते हैं तब उसकी पानी की ज़रूरत दुगनी हो जाती है, दुगनी से ज़्यादा होती है। बारिश तो हम नहीं ला सकते, तो असिंचित किसानों के लिए जिसमें वो कम खर्चे में मुनाफा ले सके, इसके लिए इसके अलावा कोई और तंत्र नहीं है। अजय बीठोबाजी आम्बोर, इन्हें शिक्षा मंडल ने सीआईसीआर के गैर बीटी बीजों को बोने के लिए तैयार किया, जिनका मूल्य मात्र 150 रुपए प्रति किलोग्राम था। बीजों का सस्ता होना इस योजना के लिए अत्यंत जरूरी है, जहां प्रति हेक्टेयर 44,000 पौधे लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। बीटी संकर प्रजाति इस सघन खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये लगभग 5 गुना यानी कि 830 रुपए किलो है। अम्बोर के 4 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ पर बीटी प्रजाति है। वो 1 एकड़ में अन्य प्रजाति आजमा रहे हैं। वो अभी डेमो करके लगा रहा मैं, इस साल पहली बार लगा रहा, अभी तक तो नहीं लगाया, अभी 1 एकड़ में लगाते, देखेंगे कैसा है क्या है। तो
बीटी बीज महंगे होने के बावजूद किसान इसे खरीदने में संकोच नहीं करते, क्योंकि ये अधिक उपज व कीटनाशकों पर कम खर्च के चलते सस्ता ही पड़ता है। लेकिन किसान नेता विजय झावड़िया जैसे लोग बीज के मामले में निजी कंपनियों के हस्तक्षेप से सहमत नहीं है। वो बीजों पर किसान का अधिकार चाहते हैं। सरकारी क्षेत्र का बीटी बीजों को तैयार न करने के पीछे उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आता है। हम टेक्नोलॉजी के विरोधक नहीं है, पर टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए कि जो भारत के किसान की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करे, ना कि उसका इस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बना दे। आज भारत का किसान इस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बन गया है। वो अंदर घुस तो गया है पर उसके बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बाहर निकलने का काम करने वाला जो कृष्ण है वो भारत सरकार होनी चाहिए। वहीं नरेंद्र मिसाल जैसे गांधीवादी भी हैं कि बीटी बीजों व रासायनिक खादों के विरोधी हैं। उनके लिए कपास की खेती राजनीतिक अभिव्यक्ति का जरिया है। यदि अधिक उपज के लिए खर्चा करना पड़ता है तो उससे वो सहमत नहीं है। लोगों का जो मानसिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आना चाहिए, उसका वास्तविक रूप से देखा जाए तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। बीटी जो लोग भी बीटी लेते हैं उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है और मीडिया और एडवर्टाइजमेंट का भी ज़्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर है। बीटी का एडवर्टाइजमेंट जो भी मार्केट में चलता है उसका इफेक्ट ज़्यादा है। इस कारण भी लोग बीटी के और ज़्यादा मोड़ रहे। हम लोग उस दृष्टि ने न रखते हुए मैं कम से कम खर्चा भी हो और इनकम साइड ज़्यादा इनकम अच्छा मिले, इस साइड से हम सोचते हैं। अभी लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम चलेंगे गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के राजकोट और जानेंगे कि कॉटन के दाम क्यों गिर रहे हैं और इसका कॉटन इकोनॉमी पर क्या असर रहेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका फिर स्वागत है। हम हैं सौराष्ट्र के राजकोट में और राजकोट गुजरात में मूंगफली और कॉटन के फसल से जाना जाता है। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के विदर्भ कई मामलों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों सूखे इलाके हैं और बारिश के पानी पर निर्भर हैं। लेकिन 1980 के भयंकर सूखे के बाद सौराष्ट्र में चेकडैम बनाने की मुहिम शुरू हुई, जिसके चलते यहाँ के किसानों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन इस साल कॉटन फसल के दाम गिर गए हैं। ग्लोबल मार्केट में ज़्यादातर कमोडिटीज़ के दामों की गिरावट कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में रेट बढ़ेंगे या नहीं, ये किसी को नहीं पता। अगर सीड और टेक्नोलॉजी कंपनियां चाहती हैं कि किसान कॉटन के खेती से जुड़े रहें तो उन्हें उनकी मदद करनी होगी, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन घटाना होगा। राघवेंद्र सिंह जडेजा सौराष्ट्र के 222 पूर्व रजवाड़ों में से एक से संबंधित हैं। इनके पास शुद्ध गिर कपास की किस्में हैं। वो खेती के बारीक जानकार हैं। हिसाब किताब की आसानी के लिए उन्होंने अपने 150 एकड़ के खेतों को एक एक एकड़ के प्लॉट में बांट दिया है, जिसका की विस्तृत हिसाब किताब रखते हैं। जडेजा भी एक लंबी अवधि के निवेशक की तरह है। हाल के नुकसान के बावजूद ये कपास से मुंह नहीं मोड़ रहे। हमारे जो प्लांटेशन फार्म का है वो फिक्स क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग है। उससे क्या होता है, कोई चीज़ का रेट बढ़ जाता है उसको हम सेल कर सकते हैं और रेट कम होता है उसको स्टॉक कर सकते हैं।
एक ही क्रॉप बोए और क्लाइमेट चेंज हुआ उसमें टोटल फेल हो गया फार्मर, इसलिए मल्टीपल क्रॉप में एक साथ सब क्रॉप पकते नहीं है, वही लेबर का यूज हम यूज कर दिए, थोड़ा ज़्यादा लेबर की जरूरत न रहे और सोयल का सोयल में जो रोटेशन करते हैं सोयल के लिए अच्छा है। गोंडाल की एपीएमसी मंडी में इस साल की गिरावट का असर साफ दिख रहा है। मंडी अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा किसानों को सस्ते बीटी बीज मुहैया कराने में खर्च करती है। इन सस्ते बीजों से मूंगफली की ओर पलायन रुका है। हमारे यहाँ एपीएमसी से जो कॉटन का सीड हम बिक्री कर रहे थे हर साल 20,000 पैकेट हम बिक्री करते हैं, लेकिन इस साल 15,000 ही पैकेट बिक्री हुआ है। तो कॉटन का जो है अभी अभी जो पैदावार हो रही है उसमें कम हो ऐसा लगता है। अभी डिमांड है ग्राउंड नट का, ग्राउंड नट का सीड का इतना डिमांड है। बाद में यह क्या हमारे गोंडल विस्तार में जो बहुत बारिश हुआ है इसलिए कॉटन के ऊपर जो ऐसा हुआ 50% कॉटन का जो सीड है वो बाहर नहीं निकल सका है। CACP जो कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, पिछले 3 सालों से कपास का प्रति एकड़ उत्पादन खर्चा 13,500 रुपए निकाल रही है, जबकि 26,000 रुपए प्रति एकड़ बिक्री व 95% मुनाफे के बाद अब जबकि दाम गिरे हैं तो किसान मजदूरी में कमी करने वाली नई तकनीक की मांग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अभी ये सुंडी की आई थी ठीक है, तो ईयर बोलते हैं झिंड की, तो उसमें तो फायदा मिला है, लेकिन दूसरा क्या है अभी रस सूसने वाली कीड़ा रस जो पत्ते को ये ऐसा ऐसा खोखला कर देती है रस सूस पर, तो इसमें क्या है कि वो कपास पूरा लाल कर देती है, तो उसके बारे में टेक्नोलॉजी है तो अच्छा है। देखो वो हमारे यहाँ वीट का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में भी टेक्नोलॉजी सुना है कि आ रही है लेकिन अभी आई नहीं है ऐसा। यानी निंदाई और अभी वो जो फवारे वगैरह तन नाशक के निकले ना इसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता, लेबर में ज़्यादा चले जाता, लेबर टाइम आया तो 300 रुपये रोज बोलते हमको ना, अब 300 रुपये रोज देना पड़ेगा मजबूरी में। अब उम्र मेरी 68 की हो गई, पहले मारा फवारे खुद ही खाना खाया इधर से आए कि फवारे चालू रोजदार नहीं लगाया, अब होता ही नहीं, बच्चे हैं तो वो अपने अलग कर रहे काम। किसान प्रति किलोग्राम कपास की चुनवाई के लिए 5 से 10 रुपए तक देते हैं, इसलिए इन्हें मशीन का इंतजार है। इसका अर्थ है कि मशीन के हिसाब से पौधों की बुआई करनी होगी। CICR जिन सघन बुआई का पक्षधर है उसे मशीन की जरूरत पड़ेगी। बीटी बीज कंपनियां संकर प्रजातियों को 14,000 प्रति एकड़ में बोने की सलाह दे रहा है जो कि पहले की राय से लगभग 2 गुने है, पर 44,000 जिसे कि CICR ने पहले इंगित किया था उससे ये अभी भी कम है। खाद के डालने का तरीका, बूंद सिंचाई का प्रयोग, पौधों की माप, सभी पर ध्यान देने से हम लागत कम और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। कपास और संकर प्रजातियां होने के बावजूद भारत विश्व के 80 देशों के बीच 333वां स्थान रखता है। कॉटन के मामले में प्राइवेट कंपनियों ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर उन्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली इंसेक्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी की मदद दी है, लेकिन अगर हम इन सब से हटकर CICR की तरह कुछ इलाकों में नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसकी सीमा को भी समझना होगा। इसके दायरे को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ने की ज़रूरत होगी, तभी इसका फ़ायदा ज़्यादातर किसानों को मिल पाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।